आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह, आपके समक्ष झारखंड के 24 जिलों की खबरों के साथ। फटाफट सुनिए आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय की मुलाकात हुई। सुबोधकांत बाबूलाल से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के सभी प्रमंडलों का दौरा करेगी। इसके जरिए राज्य के एक एक घर तक कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तीसरी खबर, मिशनरी ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय में सीआईडी की टीम ने छापेमारी की। शुक्रवार को इंस्पेक्टर रविकांत के नेतृत्व में सीआईडी रांची की टीम निर्मल हृदय पहुंची। आजाद सिपाही खूंटी एक्सप्रेस। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 5 वर्षों से खूंटी जिले को विकास के क्षेत्र में अग्रसर करने का काम किया जा रहा है। इस जिले को और बेहतर जिला बनाने में जिलावासी सरकार का सहयोग करें। आजाद सिपाही जमशेदपुर एक्सप्रेस। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के 11,51,000 किसानों को कृषि संसाधन जुटाने के लिए 452 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान राज्य की संस्कृति की धुरी हैं। आजाद सिपाही पश्चिमी सिंहभूम एक्सप्रेस। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सेल की किरी बुरु और मेगा हाथु बुरु खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेल प्रबंधन से भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। आजाद सिपाही धनबाद एक्सप्रेस। धनबाद सीट से दावेदारी कर सांसद पीएन सिंह के पुत्र प्रशांत सिंह ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी। प्रशांत सिंह ने कहा कि पार्टी निर्देश देगी तो वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। परिवारवाद पर कहा कि पिता से अलग है मेरी पहचान। दूसरी खबर, भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाने वाली भाजपा महिला नेत्री के खिलाफ फेसबुक पर अश्लील पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने कतरास थाने में लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आजाद सिपाही गिरिडीह एक्सप्रेस। माले विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों को छला जा रहा है, इससे किसानों के मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। आजाद सिपाही रामगढ़ एक्सप्रेस। भाजपा मांडू विधानसभा सांसद प्रतिनिधि कुमार महेश सिंह ने रतवे पंचायत अंतर्गत नवा टाण में 100 KVA का नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। कहा, डबल इंजन की सरकार में बिजली की स्थिति सुधरी है। दूसरी खबर, आजसू पार्टी का बड़का गांव विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह भुरकुंडा स्थित मंगला मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के पूर्व मंत्री सह गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। आजाद सिपाही हजारीबाग एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद में नेता अपनी लॉबी मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिल्ली जाकर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। आजाद सिपाही चतरा एक्सप्रेस। सांसद सुनील सिंह को लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के सभापति बनाए जाने पर समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। आजाद सिपाही कोडरमा एक्सप्रेस। कोडरमा स्थित बिरसा सांस्कृतिक भवन में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत नए लाभुकों के बीच प्रथम किस्त की राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को किसानों की चिंता है। दूसरी खबर, विधानसभा चुनाव की आहट को लेकर प्रशासन रेस है। सभी जरूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर कार्यों में भी लगाया गया है। आजाद सिपाही पलामू एक्सप्रेस। छतरपुर अनुमंडल कार्यालय में ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन शुरू हो गया। अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता के नेतृत्व में प्रशिक्षकों ने ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी लोगों को दी। दूसरी खबर, हुसैनाबाद प्रखंड के देवरी खुर्द पंचायत के सोनपुरवा गांव के अन्य टोला के ग्रामीणों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनंजय कुमार तिवारी ने जनसंपर्क स्थापित कर स्थानीय समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। आजाद सिपाही देवघर एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संथाल परगना से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस सिलसिले में शुक्रवार को देवघर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि चुनाव में पार्टी 35 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। दूसरी खबर, श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है।
आजाद सिपाही जामताड़ा एक्सप्रेस। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि अब किसानों को कृषि कार्य के लिए कहीं भटकने या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने किसानों की स्थिति को समझा और उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। आजाद सिपाही पाकुड़ एक्सप्रेस। विधायक स्टीफन मरांडी ने गांव का भ्रमण कर वहां के लोगों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। आजाद सिपाही साहिबगंज एक्सप्रेस। जदयू प्रदेश अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने कहा कि लोग झामुमो और भाजपा से उब चुके हैं, लोग तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं। आजाद सिपाही दुमका एक्सप्रेस। इंडोर स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कार्यक्रम में 35,970 किसानों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 12.5 करोड़ हस्तांतरित किए गए। मौके पर सांकेतिक रूप से 6 किसानों को चेक दिया गया। आज के आजाद सिपाही एक्सप्रेस में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।